हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वीट एंड सार फिंगर पकौड़ा। खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटा होता है, जो आपके मुंह के जायके को बदल देगा। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को छील लिया है। अब हम इन्हें पतले और लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसी तरह से सभी आलूओं को हम कट कर देंगे। आलू सारे कट हो गए हैं। अब इन्हें हम बोल में डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2/3 कप सिंघाड़े का आटा लिया है, जो हमारे पकौड़ों को एक बहुत अच्छा स्वाद देगा। और इसमें डालेंगे 2/3 कप कूटू का आटा, जो हमारे पकौड़ों को क्रिस्पी बनाएगा। अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, मल्टीपर्पज मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्च, आप स्वादानुसार ही डालें, जितना तीखा पसंद करते हो, थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और पानी डालकर चलिए बना लेते हैं इसका एक थिक बैटर। बैटर बनकर तैयार है, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। चलिए अब फिंगर पकौड़ों को करते हैं फ्राई। ऑयल गरम है, फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम। आप व्रत में जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो ले सकते हो। ये फिंगर पकौड़े इतने बढ़िया लगते हैं दोस्तों कि जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी इसे खाने के लिए व्रत रखना शुरू कर देंगे। अब इन्हें पलट कर सेकेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं ये छोटू सा पलटा बहुत ही यूज करती हूँ किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत अच्छे से अलटती पलटती हैं और चीज़ें खराब भी नहीं होती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने किचन टूल में इसको भी जरूर शामिल करें। बातों ही बातों में पकौड़े भी क्रिस्पी और लाल हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पकौड़े कितने क्रिस्पी बने हैं आप इसकी आवाज सुन सकते हो। चलिए अब बताती हूँ इसे खाना कैसे है। अब एक सर्विंग बोल में इन पकौड़ों को डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच शहद, 1/3 नींबू का रस, जितना आप खट्टा खाना चाहते हो उतना डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच। अब ऊपर से इसमें डालेंगे 1/3 सेंधा नमक, 1/3 मल्टीपर्पज मसाला, 1/3 चिली फ्लेक्स। अगर आप व्रत में खाते हो तो डालें, वरना इसकी जगह आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/3 हरा धनिया। लीजिए, स्वीट एंड सार फिंगर पकौड़ा बनकर तैयार है।
इसे बनाकर जरूर खाएं और व्रत का पूरा आनंद लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो मिले इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जब तक आप स्वीट एंड सार फिंगर पकौड़ों का आनंद लेंगे तब तक मैं दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ। बाय बाय।